नमस्कार दर्शकों, मैं आस्था तिवारी एक बार फिर आपके साथ रूबरू होने जा रही हूँ। जी हाँ, आज जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ उससे पहले आपको कई चीज़ें बताना चाहूँगी। कहने को तो हम 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन आज भी हमारी सोच 18वीं सदी वाली है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। आज भी हमारे भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ो जुड़ो या फिर चैनल सिस्टम समझते हैं। हालांकि मैं उनको बताना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं होती। पहले हमारे भारत देश में इसे सरकार की तरफ से लीगल अथॉरिटीज़ भी नहीं दी गई थी, लेकिन आज के समय में इसे लीगल अथॉरिटीज़ भी मिल गई है और ऐसी कई कंपनीज हैं जो दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं। और जिस तरह से ये हमारे देश में ग्रोथ कर रही हैं उस हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाले टाइम पर इसके बिजनेस का फ्यूचर कितना ब्राइट रहने वाला है, या यूं कहूं ये इसका भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है आने वाले समय में। आज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज लोग खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना पा रहे हैं। इसके साथ साथ आज के युवाओं में ये जागरूकता भी बढ़ रही है कि वो अपना खुद का स्टार्टअप करें, और इन सबके लिए नेटवर्क मार्केटिंग हमारे सामने उभर कर सामने आ रही है। या यूँ कहूँ आज कुछ भी जो ये सब कुछ जो है अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। अगर देखा जाए MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न साइड में बोलूँ तो, या फिर बोलूँ यूरोपियन कंट्रीज में, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश भी है और सक्सेसफुल भी है। अकॉर्डिंग टू इंडिया, हमारे भारत देश में लोगों के निगेटिव रिगार्ड्स आने की वजह से इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश होने में टाइम लगा, लेकिन जिस तरह से लोगों के थॉट्स चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से ये हमारे भारत देश में बहुत तेज़ी से इस्टेब्लिश भी हो रही है और सक्सेसफुल भी हो रही है। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमें डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट सेल होते हैं, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते मिलते हैं। इसके साथ साथ आज कई ऐसी कंपनीज हैं जो हमें प्रोडक्ट्स की बजाय एजुकेशंस भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि बोलना चाहती हूँ कि हाई लेवल एजुकेशंस। अगर बाहर लेने को जाओ तो वही एजुकेशंस के हमें कितने सारे फीस पे करनी पड़ती, लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू हम अपना खुद का स्टार्टअप के साथ साथ हाई लेवल एजुकेशन, या यूँ कहूँ तो बेस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और वो भी कम फीस पे करके। अगर भारत देश में बात करना चाहूँ, भारत देश की अर्थव्यवस्था में जो आज सुधार आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही ज़्यादा सुधार आ रहा है। हमारे भारत देश में MLM कंपनीज में से सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली आज कंपनीज भी हैं, कई कंपनीज हैं। हमारे भारत देश में 10,000 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में टैक्स पे करती हैं। एमवे इंडिया, फॉरएवर लिविंग, ibis.com प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ऐसी कई कंपनियां हैं जो हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती हैं, या यूँ कहूँ हमारे कंट्री को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा अपना हाथ बटाती हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की वजह से भी आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए कितनी, बोला जाए तो कितना हम इससे सक्सेस हो सकते हैं, हम अपने आप को कितना एस्टैब्लिश कर सकते हैं इसके थ्रू। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, जो लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ो जुड़ो या फिर ट्रेनिंग सिस्टम समझते हैं, मैं उनको यहाँ से बोलना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं होती है, अपने थॉट्स को चेंज करिए, क्योंकि आज आने वाले टाइम पे हमारी कंट्री इसी के थ्रू डेवलप हो सकती है। तो सो इसको आप समझिए, यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।